अब सवाल यह है कि जो यूक्रेन ने रूस पर हमला किया वाकई में हमला था, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस हमले के बारे में सवाल पूछे जाने पर खामोश हैं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। बेलगारोट तेल डिपो हमले को लेकर आपको बता दें दो तीन थ्योरियां निकल कर आ रही, जिसमें सबसे बड़ी थ्योरी जो है पहले नंबर पर वो यूक्रेन की एयर स्ट्राइक की जा रही है। हालांकि रूस के फॉल्स फ्लैग के अटैक को लेकर एक नई थ्योरी भी बार बार पेश की जा रही है और ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि इस थ्योरी में दंग है, क्योंकि जंग खतरनाक मोड़ पर है, रूसी सेना कुछ इलाकों से पीछे हटी है और यह माना जा रहा है कि वो भी इसी से जुड़ी हुई एक रणनीति का हिस्सा है और सबसे बड़ा हमला इसके बाद रूस कर सकता है। लेकिन बेलग्रेड में जब हमला होता है तो उसके मायने क्या है, दो तीन थ्योरी हमने आपको बताई, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए इस हमले को और इस हमले के असर को आप विस्तार में समझ सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से। युद्ध के 37वें दिन आई खबर ने एक बार फिर दुनिया को परमाणु हमले की आशंका के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन का यही अटैक क्या पुतिन को परमाणु हमले के लिए ट्रिगर कर सकता है? ज़ेलेंस्की की आर्मी के हाथों हुई यही एयर स्ट्राइक क्या रूस को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने के लिए उकसा चुकी है? जिस परमाणु हमले की तैयारी में कई बार अपने बाजुओं को पुतिन की पावरफुल सेना ऊपर खींच चुकी है, विश्व युद्ध की आशंका और न्यूक्लियर वॉर में महाविनाश की आहट क्यों अप्रैल की पहली तारीख को दुनिया के सामने आ गई, एक एक वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। यूक्रेन के शहर खंडहर बन रहे थे और रूसी हमले में कब्रिस्तान होते यूक्रेन को दुनिया देख रही थी, लेकिन इस एक हमले ने सबको चौंका दिया। वजह यह कि आग का ये गोला, शोरों का भवंडर, धधकती बारूदी लपटें यूक्रेन में नहीं बल्कि पुतिन की जमीन पर उठ रही है। जब रूसी फौजें कीव और चार्निहिव से पीछे हट रही थी, तभी दो दिन पहले एक खबर आई थी यूक्रेनियन मीडिया के थ्रू कि यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करके बेलोगोरद शहर में, जो कि रूस के अंदर पड़ता है, वहां एक एम्युनिशन डिपो को तबाह कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की सीमा के अंदर जाके किसी डिपो को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो। अब इस बात का मैंने जिक्र जब किया इनके स्पोक्स पर्सन से यूक्रेन मिलिट्री के, तो उन्होंने ना तो इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें इतना पुराना एम्यूनिशन है कि वो एम्यूनिशन अपने आप भी फट सकता है। तो क्या आप अपनी इसी जमीन पर यूक्रेन के हमले का जवाब रूस की पुतिन आर्मी न्यूक्लियर वॉर छेड़कर देगी? इस आशंका को बल इस बात से मिलता है कि 22 मार्च को रूसी सेना के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर रूस को खतरा अपने बेहद करीब महसूस भी हुआ तो फिर जवाब रॉकेट, गोली और किसी साधारण बम से नहीं बल्कि परमाणु बम से दिया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस की धरती पर इसे पहला हमला माना जा रहा है। रूस का धधकता हुआ आयल डिपो और एयर स्ट्राइक करते यूक्रेन सेना के Mi-24 हेलीकॉप्टर ने अचानक युद्ध में वो करवट ले ली है जहां शांति वार्ताओं की उम्मीदों पर परमाणु बम के बादल छाने लगे। बेलगोरोड में हवाई हमले और रूस की सेना को हुए नुकसान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अंदेशा यह है कि रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार होगा। अंदेशा तो इस बात का भी है कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश इस युद्ध में और ज्यादा यूक्रेन की मदद करते हैं तो रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दी है। स्वीडन को रोकने के लिए रूस के लड़ाकू विमान स्वीडन के आकाश के ऊपर परमाणु हथियारों के साथ उड़े थे, ऐसा दावा स्वीडन ने किया है। ये दिखाता है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में अगर पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप इस युद्ध में बढ़ा तो रूस एक बार फिर
परमाणु हथियारों की धमकी देने से रुकेगा नहीं। जिनके दिमाग में ये रत्ती भर भी उम्मीद रही कि परमाणु युद्ध की बातें अब दूर की बात है, रूस में हुए यूक्रेन के पलटवार की इन तस्वीरों ने उन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। इसकी वजह ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के 7 दशक के बाद दुनिया के किसी देश ने रूस की धरती पर एयर स्ट्राइक की है। हर आशंका को इस वक्त बहुत करीब से समझने के लिए इन वीडियो को देखते जाइए, जहां एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर रूस की सीमा के अंदर बेलगोरोड शहर में घुसते हैं। रूसी ऑयल ड्यूपों पर कई रॉकेट बरसाए जाते हैं। क्या ये हमला यूक्रेन ने परमाणु युद्ध के जोखिम के बावजूद लिया है? जेलेंस्की की स्ट्राइक पुतिन को सीधी चुनौती है, वही चुनौती जिसका जवाब पुतिन को देना है। रूस से आ रही खबरों में यही दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त पुतिन फुल एंड फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं, यानी यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का आदेश। ऐसा क्यों हो सकता है, इसे समझने के लिए याद करिए, युद्ध छिड़े जाने के पहले ही फरवरी महीने में जमीन, जल और आसमान से रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की इन तस्वीरों को देखिए। न्यूक्लियर ड्रिल युद्ध शुरू होने से पहले ही कर चुकी रूस की सेनाओं को फिर 27 फरवरी को ही अलर्ट पर पुतिन ने डाल दिया था। तो क्या पुतिन के दिमाग में पहले से ही परमाणु हमले का प्लान चलता आ रहा था, जिसे अब रूस की धरती पर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक करके ट्रिगर कर दिया है? गौरव सावंत, कीव आज तक।